A wonderful good evening to all of you. This is Kaustubh Umar and I am welcoming you again in Internet Talk series by me. This is the talk number 23 and today's topic is line of protection of earth. तो अभी आपने LOC के बारे में सुना है, LAC के बारे में सुना है, लेकिन LOP के बारे में नहीं सुना है, तो आज मैं उस पर ही डिस्कशन करने वाला हूँ। लेकिन खासियत ये है कि LAC LOC दोनों ही भारत के लिए हैं, जबकि जब मैं LOP की बात करता हूँ तो पूरी पृथ्वी की बात करता हूँ। LOP means line of protection of earth, और हिंदी में अगर मैं इसको कहूँ तो पृथ्वी की सुरक्षा रेखा। जी हाँ, पृथ्वी के बनने के बाद से ही पृथ्वी को सदैव बाहर के चीज़ों से बहुत खतरा आ रहा है, और उनमें से दो ऐसे खतरे हैं जो शायद आपको दिखते तो नहीं है लेकिन उसका असर क्या हो सकता है इसकी कल्पना भी नहीं आप कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर ये प्रोटेक्शन शील्ड, ये लाइन्स ऑफ प्रोटेक्शन अगर अर्थ की ना होती तो क्या होता, आप खुले आकाश में बाहर निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बाहर निकलने के साथ ही आपको स्किन कैंसर का खतरा हो सकता था, और ये मैं जो बात कह रहा हूँ पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर एक ये लाइन ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होती तो आपको बाहर निकलते ही कैंसर हो जाता। क्यों? क्योंकि ये लाइन ऑफ प्रोटेक्शन रोकती है कॉस्मिक रेस को हमारी अर्थ पर आने से, और कॉस्मिक रेस ऐसी हैं जिनको बंद आँखों से भी जिसका असर महसूस किया जा सकता है। कॉस्मिक रेस ऐसी हैं जो आपकी स्किन पर डायरेक्ट पड़ते ही स्किन कैंसर कर सकती हैं, और उस लाइन ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में बता दूँ जिसका जिक्र कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, वो लाइन ऑफ प्रोटेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इन दिनों आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ के बारे में बहुत कुछ सुन भी रहे हैं, इसलिए आपका जानना जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसे फॉर्म हुई है, और क्यों इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और क्या क्या हो रहा है इसके साथ जो कि हम लोग को चिंता में डालता है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आपने क्लास अगर 10th में भी पढ़ा है तो एक ऑस्टर कला पढ़ा होगा, वो ऑस्टर कला कहता है कि जब किसी को वायर में कोई करंट फ्लो करती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। यानी कि जब भी कहीं पर कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। अब यहाँ पर तात्पर्य क्या है करंट फ्लो करने से, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करने लगते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट बनती है, और इस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। तो अर्थ के साथ ये कैसे होता है? वी ऑल नो दैट कि जो हमारा अर्थ है जितनी हमको सॉलिड देखने से लगती है बाहर उतनी सॉलिड वास्तविकता में नहीं है, ये अंदर से खोखली है, और जब हम लोग अर्थ के सेंटर के नज़दीक पहुँचेंगे तो वहाँ पर मोल्टन स्टेट में है सभी चीज़ें। मोल्टन स्टेट का मतलब आप रॉक की बात करें, आयरन की बात करें, या किसी अदर मटेरियल की बात करें, वो सारी चीज़ें कैसे हैं मोल्टन स्टेट में है, पिघले हुए लावा, जिसे पिघला हुआ लावा कहते हैं, उस स्टेट में है। और यू नो वेरी वेल कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट भी करती रहती है। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है तो वो जो मैग्मा, जिसे मैं बोल रहा हूँ, जो मोल्टन रॉक्स है, जो यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है अर्थ के अंदर, वो भी क्या करता है, घूमता है, और इनके घूमने के कारण कन्वेंशनल करंट फ्लो करने लगती हैं अर्थ के अंदर, और यही कन्वेंशनल करंट जब फ्लो करती है तो उसके कारण अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है। जब हम लोग बात करते हैं जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ ऑफ अर्थ से, तो लगभग 11.5 डिग्री पे आपको मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ मिल जाएंगे अपने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के। ये दो पोल से नॉर्थ एंड साउथ, ये 11.5 डिग्री के एंगल पे आपको। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक तरीके से पूरी जैसे आयनोस्फीयर हमारा होता है, उस आयनोस्फीयर के ऊपर एक मैग्नेटोस्फीयर है, यानी फ्री स्पेस में ये अर्थ को ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, कवर करती है। कवर करने से क्या होता है कि जो हमारे पास हार्मफुल रेडिएशन है, जो कि सन का हार्मफुल रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेज है, तो ओजोन लेयर के साथ साथ ये मैग्नेट जो एक तरीके से मैग्नेटोस्फीयर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो क्या करती हैं, रोकती हैं हार्मफुल यूवी को, रोकती हैं और कॉस्मिक रेस को रोकती हैं, जो कि यूवी से ज़्यादा खतरनाक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसीलिए मैं लाइंस ऑफ प्रोटेक्शन कह रहा हूँ, क्योंकि
ये लगातार हमको बाहर कॉस्मिक रेज जो तेजी के साथ मूवमेंट करती हैं पूरे स्पेस में, उनसे हमारी रक्षा करता है। और कॉस्मिक रेज का मैंने खतरा आपको बता दिया कि अगर आपकी स्किन में सीधे पड़ जाए तो आपको कैंसर हो सकता है। बंद आँखों के बाद भी आप इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं और बहुत एक बुरा एक्सपीरियंस होता है। ऐसा लोग बताते हैं कि जब स्पेस क्राफ्ट में जब स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने कहीं ना कहीं स्पेस पे जाना शुरू किया था, तो उन लोगों ने बताया कि वो स्पेस के दौरान उन्होंने क्या देखा कि अक्सर एक चमक उन्होंने देखी स्पेस से गुजरते हुए, और उसकी चमक ऐसी थी कि आँख बंद करने के बावजूद चुभती थी आँखों में। और ऐसे बहुत सारे लोग जब एस्ट्रोनॉट लौट के आए तो उनको कैटरेक्ट हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि जब खुले स्पेस में जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने उसको कॉस्मिक रेस को देखा तो देखने भर से उनको कैटरेक्ट हो गया। आगे उस तरीके से सावधानियां बरती गई, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने ढूंढ लिया। बट आप इमेजिन करिए कि जब इतने बड़े लेवल पे कॉस्मिक रेस हमारी पृथ्वी पर पड़ेंगी तो हमारे पृथ्वी पर लोगों का क्या हाल होगा, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। और मैं हमेशा से आपसे जब बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा इस तरीके से ऐसी बात नहीं करूँगा जो आपको समझ में ना आए, मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ जो आपको समझ में आ जाए। तो अब तक आप मेरे ख्याल से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को समझ गए होंगे। मैं अगर बात करूँ तो जो मैग्नेटिक फील्ड का मेज़रमेंट है वो दो चीज़ों में किया जाता है, टेस्ला और गॉस में। तो चूँकि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग वेरी करती है 0.25 गॉस से 0.65 गॉस के बीच में, जो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये बनी रहती है। अब हो क्या रहा है हमारे साथ, हो रहा है हमारे साथ ये कि पिछले 200 सालों में अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 9% कम हो गई। अभी मैंने क्या कहा, 200 सालों में 9% जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की वो कमज़ोर हुई है। क्योंकि बहुत लंबा समय है, प्रतिशत बहुत कम है, तो उसका असर हमको इतना समझ में नहीं आता है। लेकिन अब फिर आप न्यूज़ सुन रहे हैं कि तेज़ी के साथ ऐसा महसूस हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे अर्थ के कुछ मिस्टीरियस कारण हैं जिसकी वजह से अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रही है, एक तरीके से डिस्टर्ब भी हो रही है और क्या हो रही, कम होती जा रही है, उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। और जो मैग्नेटिक पोल्स थे वो पोल्स भी अब खिसक रहे हैं, ऐसा देखने को आ रहा है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आने वाले समय में अगर रैपिडली अगर ये कम होती है तो हमारे जो पूरी सैटेलाइट का एक तरीके से जो पूरा अरेंजमेंट है, जो आपको अप टू डेट वेदर से लेके किसी भी दुनिया के किसी भी कोने की न्यूज़ के लिए अप टू डेट रखता है, उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर इसी तरीके से हमारा जो एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ये कम होती रही तो आने वाले समय में अब हम कॉस्मिक रेस से बच नहीं पाएंगे। और आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताएं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप कुछ कर नहीं सकते। ये अपने आप में एक सोचने की बात है कि ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कम क्यों हो रही है, ये वैज्ञानिकों के लिए सोचने की बात है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए भी मुझे बताना जरूरी था कि मैग्नेटिक फील्ड कम होने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं अभी बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और अभी जो एक अनजान खतरे हैं कॉस्मिक रेस के और यूवी रेस, जिसे हम एक तरीके से पूरा देख नहीं सकते हैं, उन अनजान खतरों से बचे रहते हैं, उनसे बचने की संभावना हमारी कम होती चली। दोस्तों अंतिम के एक मिनट में बहुत इंटरेस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड को अगर आपको देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड को आप इस तरीके से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का जो एक इफ़ेक्ट है वो आप देख सकते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कैसे आप देख सकते हैं कि क्या होता है कि जब सोलर विंड आती है और ये कॉस्मिक रेज आती हैं तो जो हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उससे जब ये क्या करती हैं, टकराती हैं, तो टकराने के बाद इनके में क्या बनता है, जो मैग्नेट के पोल्स हैं, हमारे मैग्नेटिक पोल्स हैं उनके पर ऑरोरा, आपने सुना होगा अरोरा बनते हैं, ग्रीन कलर की आपको बिल्कुल फ्लेयर से जैसी दिखाई पड़ेंगी। तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, जिसे आप रशिया से बहुत से रशिया में ये अक्सर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि तो रशिया पोल के बहुत एक तरीके से निकट है तो वहाँ पर लोग देखने भी जाते हैं, तो ये एक अमेजिंग इफेक्ट है। आज की स्टोरी मुझे लगता है 10 मिनट टॉक आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आपने लाइन ऑफ प्रोटेक्शन अर्थ के बारे में समझाया। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।